मेरा नाम रोशन है। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आज से 2 साल पहले की है, जब मेरा सामना एक खूंखार मानव भेड़िया से हो गया था। मगर मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं उससे बच गया, मगर मेरा दोस्त मयूर नहीं बच पाया। दोस्तों, हम दोनों दोस्त प्रोडक्ट की डिलीवरी करते थे वेयर हाउस में। मेरा मतलब, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते हो तो वो प्रोडक्ट पहले आपके एरिया के वेयर हाउस तक आता है, फिर आपके एरिया का एजेंट आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर करता है। तो हम दोनों दोस्तों का काम था वेयर हाउस तक प्रोडक्ट पहुंचाना। जिस रास्ते से हम प्रोडक्ट डिलीवर करने वेयर हाउस तक जाते थे, उस रास्ते के बीच में काफ़ी घना जंगल पड़ता है। हम दोनों ने कई लोगों से सुना हुआ था कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, और कई लोग इस जंगल से गायब भी हुए हैं, जिनका आज तक किसी को भी पता नहीं चला हम दोनों उस जंगल से निकलते वक्त काफ़ी डरे रहते थे, और मैं कंपनी का डिलीवरी ट्रक जिससे मैं प्रोडक्ट डिलीवर करता था उसे जंगल से निकलते वक्त काफ़ी तेज कर देता था, और एक डर मुझे हमेशा लगा रहता था कि कहीं गाड़ी जंगल में किसी वजह से रुक गई तो या खराब हो गई तो। मैं गाड़ी ड्राइव करता था और मयूर मेरे बगल वाली सीट पर बैठा रहता था। एक दिन हम प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए वेयर हाउस को निकले, और जब हम जंगल में पहुंचे तो हमारी गाड़ी के ऊपर कोई चीज़ अचानक से गिर गई, और मैं कुछ समझ पाता कि तभी किसी के काफ़ी तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। जब हमारे साथ यह हादसा हुआ उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। हमने गाड़ी को नहीं रोका और वेयर हाउस पहुँचे। प्रोडक्ट्स को डिलीवर करके हम वापस निकले। वापस भी उसी रास्ते से जाते थे हम, और कोई रास्ता भी नहीं था। वापस जाते वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। रास्ते में जाते वक्त अचानक हमारी गाड़ी जंगल के बीच में खराब हो गई। मैं और मयूर काफ़ी डर गए, मगर दिन का वक्त था। मयूर हिम्मत करके गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी को ठीक करने गाड़ी के नीचे लेट गया, और लगभग आधे घंटे में वो गाड़ी के नीचे से बाहर निकला और बोला, भाई हो गया काम, स्टार्ट कर। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने मयूर से साइड मिरर में मयूर को देखते हुए कहा, आजा भाई जल्दी से। वो गाड़ी में बैठने के लिए आ रहा था कि तभी हमें लगा जैसे कोई जंगल से काफ़ी तेज भागता हुआ हमारी ही तरफ आ रहा है। मैंने देर ना करते हुए मयूर को आवाज़ लगाई, भाग मयूर जल्दी, आजा जल्दी आजा, कोई हमारी तरफ आ रहा है। मयूर फौरन गाड़ी के गेट की तरफ भागा। तभी एक बड़ा सा मानव भेड़िया जंगल से बाहर आया, और उसने अपने बड़े बड़े दांत मयूर के गले में घुसा दिए और उसे खींचकर रोड के किनारे ले गया, और मैंने देखा मयूर ने दम तोड़ दिया था। मेरी तो जान ही निकल गई थी उसे देखकर, और मयूर के लिए काफ़ी दुख भी हुआ था मुझे। मैंने जल्दी से स्टार्ट गाड़ी को फुल स्पीड पर दौड़ा दिया, और डरते हुए मैंने साइड मिरर में देखा वो मानव भेड़िया मेरी गाड़ी की तरफ गोली की रफ्तार से भागता चला आ रहा था। मैंने गाड़ी फुल स्पीड पर की हुई थी। फायदे की एक बात थी, वो रास्ता घुमावदार नहीं था, इसीलिए मैंने गाड़ी फुल स्पीड पर की थी, मगर फिर भी मैं बच गया और मैं जंगल से बाहर आ गया। जंगल से बाहर निकलने तक उस मानव भेड़िया ने मेरा पीछा किया था, और जब मैं जंगल से बाहर हो गया तो उस जंगल के आखिरी किनारे से ही वो मानव भेड़िया मेरी तरफ खड़ा होकर देख रहा था। खैर, मेरी जान बच गई, और फिर मैंने वो शहर और जॉब दोनों ही छोड़ दी। मगर आज भी उस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम रमेश है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये बात 3 महीने पहले की है, जब रात 10 बजे मैं घर लौट रहा था। कोई ऑटो वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगा। मैंने एक हाथ में अपना फ़ोन पकड़ रखा था और फ़ोन की फ्लैशलाइट चालू की हुई थी। थोड़ी दूर चलने पर
मुझे एक ऑटो वाला अपनी तरफ आता दिखा। मैंने दूर से ही उस ऑटो वाले को हाथ दिखाया। ऑटो वाला पास आया और उसने ऑटो मेरे बगल में रोक दिया। मैं ऑटो में बैठ गया और उस ऑटो वाले से बोला, सुभाष नगर चलोगे? उस ऑटो वाले ने सर हाँ में हिलाया और चल पड़ा। फिर मैंने उससे पूछा, वैसे भाई इस वक्त तो मुश्किल से कोई सवारी मिलती है और ऑटो भी नहीं चलते हैं इस इलाके में। मगर मेरी बात सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया और अजीब तरह से हंस पड़ा। मैं दोबारा कुछ बोलने ही वाला था कि उस ऑटो वाले ने ऑटो एक झटके से रोक दिया। और फिर मैंने पूछा, अरे ऑटो क्यों रोक दिया तूने? हाँ, पर वो ऑटो वाला कुछ नहीं बोला। मैंने फिर उससे कहा, क्यों रोक दिया तूने ऑटो, चल ना। पर उस ऑटो वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं ऑटो से उतरने ही वाला था कि एक लड़की मेरे बगल में आकर बैठ गई। उस लड़की के बैठते ही ऑटो वाला दोबारा चल पड़ा। और फिर मैंने उस लड़की से पूछा, आप भी सुभाष नगर जा रही हो क्या? मगर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मेरे फ़ोन पर मेरे दोस्त का कॉल आया। मैंने फ़ोन पर हनुमान चालीसा का रिंगटोन लगा रखा था। फ़ोन के बजते ही ऑटो वाले ने बहुत तेज ब्रेक लगाई। उस जगह मेरा फ़ोन एक झटके से मेरे हाथ से छूटकर मेरे पैरों के पास गिर गया। मैंने झुककर फ़ोन उठाया और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फ़ोन की फ्लैश लाइट में मैंने देखा जो लड़की मेरे बगल में बैठी थी उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। यह देखकर मैं काफ़ी डर गया और झटके के साथ ऑटो से बाहर कूद गया। मैं ज़मीन पर पड़ा था और फिर मैंने ऑटो वाले की तरफ देखा। उसका चेहरा बेहद डरावना हो गया था। वो ऑटो पर ही बैठे बैठे मेरी तरफ घूर रहा था। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, वो ऑटो से नीचे उतर रही थी और फिर वो ऑटो वाला भी नीचे उतरने लगा। दोनों मेरी तरफ आ रहे थे। तभी मेरे दोस्त का फ़ोन एक बार फिर से आया और फ़ोन के बजते ही जैसे ही हनुमान चालीसा की रिंगटोन उनके कान में पड़ी, वो दोनों बहुत तेज चिल्लाने लगे। और फिर मैं समझ चुका था कि अब हनुमान चालीसा ही मुझे बचा सकती है। मैंने भी जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो दोनों और वो ऑटो गायब हो गया। दोस्तों, उस दिन हनुमान जी ने मेरी जान बचा ली और मेरे दोस्त ने भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने मुझे उस मुसीबत से सही वक्त पर फ़ोन कर मुझे बचा लिया। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी यादों में से है। हमारे साथ यह सच्ची भूतिया घटना गुजरात के अरेबियन समंदर के तट पर घटी थी। दरअसल मैं गुजरात में नहीं रहता हूँ, मेरा दोस्त गुजरात में रहता है। उसने मुझे एक दिन कॉल किया और बोला, भाई घूमने आ जा, मजे करेंगे। मैं भी काफ़ी टाइम से कहीं बाहर नहीं गया था तो मैंने भी हाँ कर दिया। अगले दिन मैं गुजरात के लिए निकल पड़ा और शाम तक गुजरात पहुँच गया। और फिर मेरा दोस्त मुझे बाइक से स्टेशन पर लेने आया और रात तक हम उसके घर पहुँच गए। रात में हमने नाश्ता किया, मौज मस्ती की। फिर सोते वक्त हम दोनों दोस्त एक कमरे में थे तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, कल कहाँ घूमने चलने का इरादा है तेरा? मैंने कहा, अब तुम ही बताओ यार, तुम बताओगे तभी तो पता चलेगा क्या क्या है तुम्हारे गुजरात में घूमने लायक। मेरे दोस्त ने कई जगहों के बारे में बताया और फिर उसने बताया, यार यहाँ एक हॉन्टेड समंदर भी है। अरेबियन समंदर? हाँ, तुझे कैसे पता? अरे मैंने सुन रखा है इसके बारे में। कभी गया है तू वहाँ? नहीं भाई, मगर वहाँ के बारे में सुन रखा है। हाँ यार, लोग कहते हैं कि यहाँ पर सुबह के वक्त सैर करने वाले लोगों
और पर्यटकों को रोने की आवाज़ें और किसी के बात करने की आवाज़ें आती हैं। और लोग बताते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो फिर कल हम यहीं चलते हैं यार, बहुत मज़ा आएगा, मैंने कहा। मेरा दोस्त बोला, हाँ कल इस जगह को विजिट करते हैं यार। ठीक है। फिर इसी तरह बातें करते हम दोनों सो गए। अगली सुबह हम दोनों उसी अरेबियन समंदर के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुँचने के बाद हम दोनों काफ़ी देर तक वहीं इधर उधर घूमते रहे, मगर हमें किसी के भी रोने की आवाज़ें या फिर ऐसा नहीं लगा कि कोई बात कर रहा है। फिर हमने सोचा कि चलो चलते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आ गई और वो सीधा हमारे पास ही आने लगी। मेरा दोस्त बोला, अबे अपनी तरफ ही आ रही है ये तो। मैंने कहा, हाँ यार, मगर अभी चल यहाँ से भाई। पर मेरा दोस्त बोला, अरे रुक जा भाई, वो लड़की हमारे पास आकर हमसे दो हाथ की दूरी पर बैठ गई। थोड़ी देर तो हम तीनों ऐसे ही बैठे रहे, मगर फिर मेरा दोस्त उस लड़की से बोला, आप यहाँ पहली बार आए हो? तो उसने हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, नहीं। तभी मेरा दोस्त उसके पास जाकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। मैं थोड़ी देर तो उनकी बातें सुनता रहा, लेकिन फिर मेरा दोस्त बोला, भाई ये पैसे ले और जाकर हम तीनों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स ले आ। मैंने उससे पैसे लिए और उसकी बाइक लेकर कोल्ड ड्रिंक्स लाने निकल पड़ा। लगभग 15 मिनट बाद मैं वापस लौटा तो देखा मेरा दोस्त वहाँ नहीं था। मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो मैंने देखा खून की एक सीधी सी लाइन एक पत्थर के पास तक गई है। मैं अधीर कदमों से उस पत्थर के पास पहुंच गया तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त का शरीर कई टुकड़ों में कटा हुआ था और उस लड़की का रूप बहुत भयानक हो गया था। उसके सर पर एक सींग निकला हुआ था, पैरों के पीछे साइड बड़े बड़े नोकदार नाखून निकले हुए थे। उसका शरीर बिल्कुल जला हुआ सा हो चुका था और उसके शरीर पर रोएदार लंबे लंबे बाल निकले हुए थे। वो मेरे दोस्त का शरीर उसका मांस नोच नोच कर खा रही थी। उसके मांस के लोथड़े को वो इस तरह चबा रही थी कि मेरी जान तो हलक में अटक चुकी थी। मैं दबे कदमों से वहाँ से वापस लौटा और बाइक तक पहुँचा और बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि मेरा फ़ोन बज उठा। फ़ोन की आवाज़ सुनते ही उस लड़की ने मुझे देख लिया। मुझे देखकर वो मेरी तरफ गोली की रफ्तार से भागी। मैंने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और बाइक को फुल स्पीड पर भगा दिया। भागते हुए मेरी नज़र बाइक के साइड मिरर पर पड़ी तो मैंने देखा वो अब भी मेरा पीछा कर रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर से मेरा बाइक पर से कंट्रोल छूट रहा था, मगर किसी तरह मेरी जान बच गई। मैं उसी दिन गुजरात से निकल गया और अपने घर आ गया। दोस्त की बाइक स्टेशन पर ही छोड़ दी थी मैंने। तो ये थी मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी सच्ची भूतहा घटना। अगर आपको ये सच्ची डरावनी कहानियाँ पसंद आईं और आप आगे भी सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। अगली वीडियो पर नई सच्ची डरावनी कहानियों के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।